दोस्तों, आप सभी ने धान की खेती के बारे में सुना होगा। आप सभी को पता होगा कि खेतों में चावल की खेती कैसे की जाती है, राइस कल्टीवेशन कैसे होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि राइस और फिश, ये दोनों कल्टीवेशन साथ में हो रहा है? मतलब राइस और फिश इन दोनों को एक साथ उगाया जा रहा है, एक साथ ग्रो किया जा रहा है? क्या बकवास है दोस्तों, ये पूरी तरीके से सच है। और ये काम 1960 से अरुणाचल प्रदेश में आपतानी ट्राइब के द्वारा हो रहा है। दोस्तों, डाउन टू द अर्थ में आए हुए इस आर्टिकल को हम कवर करते हैं और इसके द्वारा इस अनोखी बात को समझते हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की ये जो आपतानी जनजाति है, ये यहाँ पे राइस और फिश दोनों को एक साथ ग्रो करती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जो उत्तर पूर्वी भारत है, उसमें हमारा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर एक घाटी है जिसे जीरो वैली के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसी अरुणाचल प्रदेश में जो आपतानी भूभाग है, जो एक पठारी इलाका है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पाई जाती है आपतानी जनजाति। और यही आपतानी जनजाति जो है, ये 1960 से लेकर आज तक राइस और फिश कल्चर जो है इसको निभाती आ रही है। और यहाँ पे ये लोग मछली और धान की खेती साथ में करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके के राइस को उगाया जाता है, उसकी 3 वेराइटीज़ के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। दोस्तों, इस चित्र में आप लोगों को ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है, ये तो धान की फसल है, ये तो चावल की फसल है। लेकिन इसमें जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये रेड रेड मछलियाँ हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने धान उगाई, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो चावल के खेत हैं, जो धान के खेत हैं, उसमें पानी भरा रहता है। लेकिन यहाँ पर ये इतना पानी भरते हैं कि उसमें मछलियों का पालन किया जाता है, जिसे हम मत्स्य पालन कहते हैं। मछली उगाने का मतलब ये नहीं कि पेड़ों पे मछली उग रही तोड़ रहे, नहीं। यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो पानी है ना, यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ डाल दी जाती हैं, फिर वो प्रजनन के बाद बहुत सारी हो जाती हैं। तो इस पानी में मत्स्य पालन किया जा रहा है और साथ में यहीं पर राइस कल्टीवेशन भी हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इनका जो घरेलू अपशिष्ट है और इनके मवेशियों का जो अपशिष्ट है, उससे भी क्या करते हैं, उसे भी यहाँ पर अपने धान के खेतों में डालते हैं। आप देख सकते हैं कि एक बहुत स्पेशल बात जो ये लोग करते हैं वो ये है कि ये साथ में अजोला, दोस्तों अजोला ये है, और लेमना, इन दोनों को भी साथ में उगाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें किस तरीके से पानी में रहती हैं, पानी में उगती हैं। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। आप सबको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सामान्य रूप से जो नाइट्रोजन है, उसे सीधे सीधे जो हमारे प्लांट्स हैं वो नहीं ले सकते। यहाँ पर ज़रूरत होती है कि जो हमारे प्लांट्स हैं, ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण के बाद ग्रहण करें। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बाद क्या होता है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण कर पाते हैं अमोनिया या फिर अमोनियम के रूप में, जो कि उनकी वृद्धि के लिए सहायक होता है। तो अजोला और लेमना, ये दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। तो जैसे हम लोग अलग अलग खाद डालते हैं अपने खेतों में, जो हम लोग अलग अलग तरीके के उर्वरक डालते हैं, रासायनिक उर्वरक, जिसके माध्यम से हमारे जो खेत हैं उनमें नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा पहुँचे, तो यहाँ पर ये आपतानी ट्राइब के लोग जब राइस और फिश को एक साथ ग्रो कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये लेमना और अजोला को साथ में उगाते हैं। इसी के साथ ये लोग सिंचाई के लिए बैम्बू पाइप का उपयोग करते हैं, बांस के पाइप्स का उपयोग करते हैं। वो मछलियाँ जो कि यहाँ पर ग्रो की जाती हैं, वो हैं साइप्रिनस कार्पियो। अब ये जो साइप्रिनस कार्पियो है दोस्तों, कार्पियोल है, इसी मछली की जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं, ये यहाँ पर पैडी कल्टिवेशन के साथ ग्रो करते हैं। और आप देख सकते हैं कि साल में 2 बार इन फिशेस का जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग मतलब ऐसा नहीं कि काट रहे हैं, कि मतलब ये जो फिशेस हैं, इन्हें यहाँ से निकाल करके बेचा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार ये लोग जुलाई के मध्य में ये काम करते हैं, और उसके बाद अक्टूबर में, और जब यहाँ से ये फिश निकाल लेते हैं, उसके लगभग 1 महीना 15 दिन बाद ये लोग निकालते हैं, ये लोग काटते हैं फिर अपनी धान की फसल को। दोस्तों, अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा आर्टिकल्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि फिर ये इस तरीके से जो फ़िश है, इसको बहुत अच्छे से मार्केट में बेचते हैं, और अगर राइस ज़्यादा होता है तो उसे बेचते हैं, वरना अपने घर के खाने के लिए ही रख लेते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिशेस को राइस के साथ ग्रो करना, इससे जो राइस के प्लांट हैं उन्हें भी एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मिलता है, उन्हें बहुत अच्छा पोषण मिलता है। अब आप लोगों ने जान लिया कि किस तरीके से राइस और फिश को साथ में ग्रो किया जा रहा है, तो आप लोग एक बार ये भी देख लीजिए कि ये काम कहाँ हो रहा है। दोस्तों ये हो रहा है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, आप लोगों ने देख लिया अरुणाचल प्रदेश में इसे उगा रही है आपतानी ट्राइब। आपतानी ट्राइब आपको आपतानी लैंडस्केप में मिलेगी, आपतानी भूभाग जो कि अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली में है। दोस्तों आपतानी लैंडस्केप जो कि यूनेस्को की टेंटेटिव साइट में है, एक बात याद रखिएगा यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है ना उनमें जाने से पहले जो चीज़ें हैं वो टेंटेटिव लिस्ट में जाती हैं, मतलब अभी पक्का नहीं कि ये जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी जो सांस्कृतिक विशेषता है आपतानी लैंडस्केप की, ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि आपतानी जनजाति कहाँ पाई जाती है। आपतानी जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का जो लोअर सुबनसिरी जिला है वहाँ पे जो जीरो घाटी है वहाँ पर आपको ये आपतानी जनजाति मिल जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आएगा, आप लोगों को ना केवल प्रीलिम्स बल्कि जीएस पेपर नंबर 3 में जब आप एग्रीकल्चर के आंसर्स लिखेंगे तब भी आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहने चाहिए और समझ आने चाहिए। दोस्तों अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे जुड़ना चाहते हैं, सो अनअकैडमी प्लस पर जुड़ने के लिए जब आप प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो जो कोड आप लोगों को यूज़ करना है वो है अपूर्वा23। अपूर्वा23 डिस्काउंट कोड का उपयोग करने से आपको उतने पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, बल्कि आपको सामान्यतः 10% और अगर कोई ऑफर चल रहा है 20% या 30% वाला तो उतना जो रिस्पेक्टिव डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। याद रखिएगा डिस्काउंट कोड अपूर्वा23।